दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ यादगार जीत दिलाने के बाद भी मोहम्मद शमी पर आईसीसी ने ठोका करोड़ों रुपए का जुर्माना, जिसके बाद तो शमी के पसीने छूटने शुरू हो गए। ऐसे में शमी की हालत देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी से लेकर हर किसी को लताड़ते हुए न केवल खुले तौर पर उसका विरोध किया, बल्कि कुछ ऐसा कहा जिसने जीत लिया करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल। तो आखिर शमी पर आईसीसी ने क्या लगाया करोड़ों रुपए का जुर्माना, और मोदी जी ने ऐसा क्या कुछ कहा शमी को लेकर दिए बयान में, जिससे पूरे विश्व में सन्नाटा छा गया। सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर विश्व कप के 29वें मुकाबले में भारत और इंग्लैंड आमने सामने थी। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय बल्लेबाजों को पहले बैटिंग करने के लिए न्योता दिया। टीम की तरफ ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, मगर इस मैच में भारत की ओपनिंग जोड़ी ने कुछ कमाल नहीं दिखा सकी और गिल केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी मैदान पर टिक नहीं सके। भारत को केवल 40 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। रोहित शर्मा केएल राहुल के साथ मिलकर टीम की पारी को संभालने लगे, लेकिन राहुल भी 39 रन बनाकर पवेलियन चले गए, मगर कप्तान रोहित शर्मा टिके हुए थे और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोका और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन बिना शतक लगाए कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वहीं अंत में सूर्य कुमार यादव की 49 रनों की पारी और बुमराह के 16 रन टीम इंडिया को 229 रनों तक पहुंचा दिए और इंग्लैंड के सामने मध्य स्कोर रखा। जवाब में उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने अपनी खातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं लिए, जो रूट और बेन स्टोक को भी चलता कर दिया और इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लिए, पर कुलदीप यादव ने अपनी करिश्माई फिरकी से इंग्लैंड के एक बल्लेबाजों को चलता कर टीम इंडिया को यादगार जीत दिला दी। इस यादगार जीत से पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम रहा था, वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जश्न मना रहे थे। लेकिन इसी दरमियान आईसीसी ने धारा 22 के तहत मोहम्मद शमी पर लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ों का जुर्माना ठोकते हुए कुछ मैचेस में बैन लगाने का भी विचार कर रही है। आपको बता दें, मोहम्मद शमी पर आईसीसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जीत के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। ऐसा करना विपक्षी टीम को ठेस पहुंचाना होता है। साथ ही मोहम्मद शमी ने बेईमानी की, उन्होंने जो रूट के विकेट के साथ भी बेईमानी की, जिसके तहत शमी पर जुर्माना लगाया गया। बस फिर क्या था, फिर तो मोहम्मद शमी के पसीने छूटने शुरू हो गए थे, वो काफी भावुक नजर आने लगे। टीम इंडिया की जीत का जश्न भी वो भूल चुके थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शमी पर लगाए गए आईसीसी की तरफ से जुर्माने को बयान देते हुए कहा कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया की शान है, आप उन पर किसी भी तरह के जुर्माने नहीं लगा सकते, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने जीत के बाद अपने टीम के साथ जश्न मनाया। भारत का तिरंगा लहराना और जय श्री राम का नारा लगाना कोई अभद्रता नहीं दर्शाता है, बल्कि देश से प्रेम और लगाव को साबित करता है। मोहम्मद शमी पर झूठा आरोप लगाना बिल्कुल भी गलत है, वो टीम के सबसे शानदार और घातक गेंदबाज है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीता है। इसी के साथ मोदी जी ने कहा कि शमी पर लगाए गए सारे जुर्माने मैं भरूंगा, टीम इंडिया विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है, मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाड़ियों पर कोई भी दिक्कत और परेशानी हो, शमी का ध्यान भटकाने वालों को मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। दोस्तों, शमी बुमराह की गेंदबाजी को देखकर तो पाकिस्तान में भी तहलका मच चुका है। पाकिस्तानी दिग्गजों से लेकर इमरान खान हर कोई दीवाना हो चुका है शमी से लेकर बुमराह का और रोहित का भी। आखिरकार अपनी टीम के ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर होने पर और भारत की जीत पर देखते हुए क्या बोले हमारे खिलाड़ियों पर पाकिस्तान के एक एक दिग्गज का बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी बुमराह, शाहिनशाह अफरीदी और हैरी श्रॉफ, दोनों में से जोड़ी कौन सी बेहतर है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भारत ने ऐसी जीत दर्ज करी है कि पूरी दुनिया में केवल एक ही चर्चा है कि इस बार का विश्व कप केवल और केवल भारतीय क्रिकेट टीम का है। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच का दोस्तों ये मुकाबला लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि टॉस हम नहीं जीत पाए, लेकिन मैच में शुरुआत भी बहुत खराब थी। लेकिन विराट कोहली के साथ शुभमन गिल और अय्यर 9-0 और 4 पर आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा की 87 रन की हीरोइक कप्तानी वाली पारी ने ना भारत की इज्जत को बचा लिया था। और फिर राहुल और सूर्य कुमार यादव भी 39 और 49 रन लगा गए, जिससे कि हम 229 तक पहुंच गए और 230 का दोस्तों हमने टारगेट सेट किया। जाहिर सी बात है, टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था,
लेकिन इसे बहुत ही ज्यादा विशालकाय बना दिया हमारे गेंदबाजों ने, क्योंकि दोस्तों शमी और बुमराह ने ऐसा काम किया ना जो कि पूरे विश्व कप में किसी भी गेंदबाजी यूनिट ने नहीं किया होगा। इंग्लैंड की टीम इससे पहले की जीत का सपना देख भी पाती, दोस्तों डेविड मलान को ना 16 रन पर बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद जो रूट को उन्होंने 0 पर LBW करा दिया। बेन स्टोक्स को दोस्तों शमी ने 0 पर क्लीन बोल्ड किया, तो वहीं जॉनी बेस्टो को भी उन्होंने 14 रन पर बोल्ड मार दिया था। इसके बाद दोस्तों मोइन अली भी ना शमी की गेंद पर 15 रन पर कैच आउट हो गए। हाँ, आगे चलकर दोस्तों कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने भी एक एक अहम विकेट लिया, लेकिन शमी ने आदिल रशीद को आउट किया तो बुमराह मार्कवुड का विकेट ले गए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल और केवल 7 ओवर में ना 22 रन देकर शमी ने 4 विकेट अपने नाम किए। उधर बुमराह भी कोई पीछे नहीं थे, 6.5 ओवर में उन्होंने भी 32 रन देकर 3 विकेट निकाले। और इन दोनों की दमदार गेंदबाजी के जबरदस्त प्रदर्शन से हम इस मैच को पूरे 100 रन के अंतर से जीतकर 12 अंकों के साथ ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। दोस्तों खिलाड़ियों की गेंदबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरी दुनिया में इनकी तारीफ हो रही है, और अब तो पाकिस्तानियों ने भी कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले दोस्तों शोएब अख्तर ने कसीदे पढ़ते हुए अपने बयान में लिखा, अब तो लगता है कि केवल भगवान ही भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप की ट्रॉफी तक पहुंचने से रोक सकते हैं। भाई हर टीम को तो हरा ही चुके हैं, और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो प्रदर्शन गेंदबाजों का रहा, खास तौर पर शमी का, वाकई में उनके हाथ चूमने का मन कर गया। क्या विकेट्स लिए, क्या रन बचाए और क्या उम्दा गेंदबाजी करी। मुझे तो लगता है कि मैच विनर नहीं बल्कि वर्ल्ड कप विनर शमी बनेंगे भारत के लिए इस बार। वहीं दोस्तों इंजमा मुलक ने भी लिखा, कमाल कर दिया भारतीय क्रिकेट टीम आपने, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आज तक हमने ऐसी लगातार कंसेक्यूटिव जीत नहीं देखी है, और देखी तो वो भी ऐसी टीम से जो डिजर्विंग है। आपने वाकई में आज जो किया वो बाकी टीमों का आपसे सीखना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ अगर बल्ला नहीं चला तो आपने गेंद से मैच जीता। रोहित ने तो उम्दा कप्तानी की ही, साथ ही शमी और बुमराह का दीवाना हो चुका हूं। उनकी गेंदबाजी से लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा। तो मैं दोस्तों अफरीदी का कहना था, भाई जब तक टीम में शमी रहेंगे ना भारतीय क्रिकेट टीम को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। उनकी गेंदबाजी के क्लास ने इंग्लैंड का सारा रिदम बिगाड़ कर रख दिया था, और मुझे लगता है कि शमी भारत को ऐसे ही लगातार आगे बहुत जीते दिलाएंगे जिससे कि ये टीम वर्ल्ड कप इस बार का ले जाएगी। बहुत खुश हुआ रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी को देखकर। मुझे लगता है कि बाबर को आपसे ट्यूशन लेनी चाहिए रोहित। तो वही दोस्तों यहां तक कि रमीज रजा का भी कहना था, कमाल कर दिया भारतीय क्रिकेट टीम, बेमिसाल जीत, ऐसी जीत जो सदियों में ना देखी गई हो, आज आपने वैसा प्रदर्शन करके दिखाया है, दिल जीतने वाला प्रदर्शन था। इंग्लैंड को आपने उनको उन्हीं के ढंग में हरा दिया। ऐसी जीत घर में भी लेनी आसान नहीं होती, लेकिन शमी और बुमराह ने इसे आसान बना दिया। क्या खूब गेंदबाजी करी शमी ने, आप हर एक अवार्ड डिजर्व करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गज पूरी तरीके से फैन बन गए हैं शमी और बुमराह के, और बनना भी चाहिए। पाकिस्तान नहीं परफॉर्म कर रहा तो क्या, भारतीय खिलाड़ी तो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी खास तौर पर शमी बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।